बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने राज्यपाल से मिलने का समय तय किया। शाम 6 बजे राजभवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजनीतिक चर्चा के बीच राज्यपाल से सीएम योगी की ये मुलाकात बेहद अहम। शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। चंदन, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात होनी तो तय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बयानों का दौर जिस तरह से चल रहा था और उसके बाद कार्य समिति की बैठक के बाद राजधानी दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तमाम लोगों की बैठक हुई है, कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है, क्या उसको लेकर भी कोई बड़ा बदलाव या दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आज सुबह अपने आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाए थे। 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं उस पर चुनाव होना है, उसको लेकर उन्होंने बुलाया था। साथ ही साथ आज 6 बजे राज्यपाल से भी मिलेंगे और राज्यपाल से जो मिलेंगे कई राजनीतिक चर्चाएं भी हो सकती है। और ये भी जताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने के बाद क्या मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि जब 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और राज्यपाल से मिलेंगे उसके बाद कुछ तस्वीरें साफ हो पाएंगी, क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि राज्यपाल से मिलने के बाद मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और जिसको लेकर आज सीएम योगी ने राज्यपाल से समय मांगा है और समय मांगकर वो 6 बजे आज जाएंगे मिलने के लिए। समय उनका फिक्स हो चुका है और शाम को 6 बजे वो मिलने जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा होगी और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उसके लिए शाम 6 बजे तक का इंतजार करना होगा, लेकिन उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़ी बढ़त लेकर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ी है, ऐसे में उपचुनाव को लेकर भी ताल ठोका जा रहा है और दावा भी किया जा रहा है। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी कठिन चुनौती? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब करारी हार हुई थी उसके बाद लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, लेकिन किसी भी तरह की कोई हीला हवाली, कोई लापरवाही देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये 10 सीटों पर चुनाव है और सामने है समाजवादी पार्टी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अच्छी अपनी जीत तय करी थी, तमाम जो जिन सीटों पर हारी थी भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर उनकी अच्छी जीत हुई थी। उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ थे वो तमाम तरह की बैठक कर रहे थे, अभी कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई। तमाम जो मंत्री हैं जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है, जिन जिलों में चुनाव होना है, वहां के मंत्री वहां के विधायकों के साथ बड़ी बैठक की गई कि किसी भी तरह की कोई हीला हवाली ना देखने को मिले, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव होना है और समाजवादी पार्टी भी अपने जनाधार को लगातार बढ़ाती जा रही है, तो ऐसे में किसी भी तरह से किसी भी सीट को ना हार पाए इसको लेकर एक बड़ी बैठक थी। और आज 6 बजे जब योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलेंगे उसके बाद तस्वीरें कुछ साफ होंगी कि किस तरह की चर्चा हुई, क्या क्या चर्चाएं हुई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मुलाकात राज्यपाल से होगी और इसके बाद जानकारी निकल कर सामने आएगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चा कर रही है, लेकिन बड़े फेरबदल की संभावना यहाँ पर मानी जा रही है, क्या हो सकता है बड़ा फेरबदल? बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से जाएंगे मिलने के लिए, उसके बाद मंत्रिमंडल में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, उसको लेकर आज 6 बजे योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलेंगे और मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ ये भी चर्चा हो सकती है कि जो मंत्रिमंडल है उत्तर प्रदेश सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे राज्यपाल के आवास पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर उपचुनाव को लेकर सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा बेहतर काम करता हुआ नजर आया है, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली दौड़ जो लग रही है, क्या माना जाए कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की पीडीए को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि समाजवादी पार्टी ने अपना नारा दिया था पीडीए का और उस नारे का उसने फायदा भी लिया था लोकसभा चुनाव में,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब जाति समीकरण पे चुनाव लड़ने को लेकर तमाम तरह की रणनीति बना रही है। वो चाहे एससी सीट हो, वो चाहे अनुसूचित जाति की अगर बात कर लिया जाए, तो तमाम ऐसी जो सीटें हैं वहां के जो लोग हैं उनसे मिलेगी, और साथ ही साथ कई ऐसी रणनीति बनाई गई है कि किसी भी तरह का कोई हार का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली, और योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही, उनके नेतृत्व में बैठक हो रही, उनके दिशा निर्देश का पालन भी, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके आदेशों का पालन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फेरबदल की जहां तक बात हुई है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लग रही है। जेपी नड्डा से मुलाकात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की है, क्या यूपी से दिल्ली तबादला भी हो सकता है? बिल्कुल, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ, कुछ मंत्रियों को यहाँ से सेंट्रल भेजा जाएगा, और जो वेटिंग में बैठे हुए जो अभी जो नए जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको भी अब जो है अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। उसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राज्यपाल से मिलेंगे, वहां बैठकर चर्चा होगी, और उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो तय करी जाएगी कि किसको मंत्रिमंडल में लेना है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जिनका मंत्रिमंडल से नाम कट सकता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो तमाम मुद्दों पर आज जाएंगे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल से मिलेंगे, और मिलने के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल चंदन, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा।